राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपना प्रत्याशी जल्द ही तय करने वाली है। इसे लेकर अगले दो दिनों में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है और बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर जो पैनल है तय करके केंद्र नेतृत्व को भेजा जाने वाला है। जी हां, वहीं अंतिम फैसला भी केंद्र नेतृत्व पर ही छोड़ा जाएगा और पूरी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी राजस्थान से ही अपना प्रत्याशी तय करने वाली है, तय करेगी। लेकिन इस बीच चर्चा है कि इस बार राजस्थान के बाहर से भी प्रत्याशी को घोषित किया जा सकता है। राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है और ऐसे में अब जल्द ही बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। राज्यसभा की एक सीट के लिए दावेदारों में 5 नाम शामिल नजर आ रहे हैं और यदि बात की जाए नामों की तो इनमें पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व सांसद CR चौधरी का नाम शामिल है। इनके अलावा पंजाब के पूर्व CM सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू पर भी दाव खेला जा सकता है। तो प्रदेश में इसी साल 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हैं, तो प्रत्याशी चयन में इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है कि यदि दावेदारों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम यदि हम बात करें तो वो नाम है रवनीत सिंह बिट्टू का। मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है और पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा चुनावों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उन्हें पार्टी ने लुधियाना लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में उतारा था, लेकिन वे चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी उनको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब देखिए कि उनको राज्यसभा भेजना पार्टी के लिए जरूरी है। जिन 9 राज्यसभा की 12 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें पंजाब शामिल नहीं है। पंजाब की 7 राज्यसभा सीटें 2028 से पहले खाली भी नहीं होने वाली हैं। तो हरियाणा और राजस्थान पंजाब के पड़ोसी राज्य हैं जहां राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। अब ऐसे में पार्टी यहां से बाहरी की जगह स्थानीय प्रत्याशी को ही टिकट देना चाहेगी और लगातार चर्चा ये बनी हुई है कि पार्टी रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा भेजने पर भी विचार कर सकती है। तो वहीं यदि दूसरे नाम की बात की जाए तो लगातार जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो नाम है सतीश पूनिया का। तो आपको बता दूं कि राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं। तो सतीश पूनिया साल 2019 से मार्च 2023 तक प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष रहे और उसके बाद पार्टी ने उन्हें विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाया और पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने 5 जुलाई को पार्टी ने उन्हें हरियाणा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त करके वहां होने वाले विधानसभा चुनावों की अहम जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी है। तो सतीश पूनिया पिछले इस साल हुए विधानसभा के चुनावों में आमेर सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में उनका कद कम नहीं हुआ और संघ की पसंद माने जाने वाले पूनिया को पार्टी राज्यसभा भेजकर प्रदेश में पार्टी से नाराज चल रहे जाट समुदाय को भी साथ देने की बड़ी कोशिश कर सकती है और इसका फायदा पार्टी को उपचुनावों में भी मिल सकता है। और प्रदेश में जिन 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 2 सीटें झुंझुनू और खिमसर में, तो जाट वोटर सीधे तौर पर निर्णायक स्थिति में हैं। तो वहीं तीसरे नाम की यदि बात करें तो तीसरा नाम है राजेंद्र सिंह राठौर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर बीजेपी के कद्दावर नेताओं में आते हैं, कद्दावर नेताओं में शामिल हैं और संसदीय नियम प्रक्रियाओं में उन्हें पारंगत भी माना जाता है। इसके साथ ही उनके लंबे राजनीतिक अनुभव को देखकर पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। राठौर प्रदेश में पार्टी का मजबूत राजपूत चेहरा भी है और लोकसभा चुनावों में पुरुषोत्तम रूपाला के गुजरात में दिए गए बयान से शुरू हुई राजपूतों की नाराजगी पार्टी को राजस्थान में भी झेलनी पड़ सकती है और झेलनी भी पड़ी थी। अब ऐसे में राठौर को राज्यसभा भेजकर पार्टी अपने इस मजबूत परंपरागत वोट बैंक को भी साधने का प्रयास कर सकती है और पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में राठौर ने चूरू जिले में तारानगर सीट से चुनाव लड़ा था और लगातार 7 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राठौर 8वां विधानसभा चुनाव हार गए थे और माना जाता है कि इस साल हुए लोकसभा चुनावों में राठौर की सिफारिश से ही पार्टी ने चूरू लोकसभा से मौजूदा सांसद राहुल कस्वा का टिकट काट कर देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी बनाया था। जाट समाज यहाँ एक बड़ा वोट बैंक होने के नाते बीजेपी को झाझड़िया की जीत की उम्मीद थी। अब फिलहाल जो है अब देखना ये होगा कि किसका नाम तय होगा, लेकिन फिलहाल अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी और CR चौधरी का नाम भी इस कतार में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी किसको मौका दे पाती है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए पंजाब के राजस्थान। नमस्कार।